जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की। आप अच्छे से जानो सिविल पुलिस और पीएससी में अंतर, क्योंकि भैया मैंने भी देखा है, कई वीडियोस मैंने देखी है अंतर पर, यूट्यूब पर कई लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा डिफाइन किया, बहुत अच्छी बात लगी। लेकिन किसी किसी ने ऐसे डिफाइन किया है जिसका कोई ही मतलब ही नहीं है जॉब से, ठीक है ना। तो आज वही अंतर को मैं स्पष्ट रूप से बताऊंगा। ऑलरेडी मैं इस पे टॉपिक में वीडियो 4 महीने पहले बना चुका हूं, आप लोगों ने देखा होगा। मैंने पीएससी और सिविल में कौन सी बेस्ट है, दोनों ही बेस्ट है, मैंने आपको अच्छे से कंक्लूजन निकाल के उसको बताया था। लेकिन वही चीज आज सेम मैं आपको फिर से एक बार बताऊंगा, लेकिन आज थोड़ा और एक्स्ट्रा भी बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात जान लो, पीएससी अच्छी है सिविल अच्छी है, तो दोनों ही अच्छी है। क्यों अच्छी है, अभी लास्ट तक आपको वीडियो देखोगे तो पता चल जाएगा। देखो सबसे पहली बात है, परिवार रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। सिविल पुलिस कांस्टेबल में भी आप परिवार अपने साथ रख सकते हो, पीएससी में भी परिवार साथ रख सकते हो। कुछ जगह ऐसी होगी जहां आप परिवार सिविल में भी नहीं रख सकते हो, कुछ जगह पीएससी में होगी ऐसी जहां आप अपना परिवार साथ नहीं रख सकते हो। हालांकि अगर जो बात करें क्वार्टर्स की, तो वो सिविल पुलिस में भी होते हैं और पीएससी में भी होते हैं, यानी कि जो कॉलोनी होती हैं वो सिविल पुलिस कांस्टेबल में भी होती हैं, अपने यहाँ भी होती हैं, यानी पुलिस लाइन में भी आपको देखने को मिलेंगी और आपको पीएससी में भी देखने को मिलेंगी। लेकिन पीएससी और सिविल में अंतर क्या है, देखो आप सभी को पता है, जब तक आप पुलिस लाइन में हो तब तक आपके क्वार्टर्स और बैरक्स बहुत चीज़ें होती हैं। लेकिन आपको पता होगा सिविल पुलिस में कहीं चौकी पर, कहीं थाने में जब चौकी पर जाओगे तो वहाँ के लिए क्वार्टर की व्यवस्था नहीं होगी, आपको अपना ही क्वार्टर लेना पड़ेगा प्राइवेट तौर पर, ठीक है ना। लेकिन पीएससी में क्या है दोस्तों, सबसे पहली बात ये जानो, पीएससी में जो अपनी बटालियन होती है, आप एक हिसाब आपको मैं देता हूँ, जैसे मैं सीतापुर हूँ, ठीक है, यहाँ बटालियन है, तो बटालियन मैं हूँ, लेकिन अब यहीं से मैं ऑपरेट होऊंगा, कहीं 2 महीने के लिए जाऊंगा, कहीं 3 महीने के लिए या कहीं 1.5 महीने के लिए। अगर आपको यहाँ रुकना है बटालियन में, तो आप कंप्यूटर या बहुत सी चीज़ें हो गई, बहुत से मद हो गए यहाँ पर, एलपी ड्यूटी जो लाइन की ड्यूटी करनी है, यहीं ड्यूटी करनी है, तो बहुत से लगभग 400-500 लोग यहीं रहते हैं बटालियन में ही, जो कि अपना परिवार साथ में रखते हैं, क्योंकि 500 से ज़्यादा क्वार्टर्स हैं सेकेंड बटालियन के अंदर। क्योंकि मैं भी पीएससी से तो बहुत अच्छे से जानता हूँ, बारीक से जानता हूँ, क्योंकि मैं भी 2 साल से क्वार्टर में ही रह रहा हूँ। और जो लोग कहते हैं कि कूलर की हवा नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगी, भैया यहाँ तो लोग एसी की हवा खा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि क्वार्टर्स में रह रहे हैं, अपने अपने फैमिली साथ रखते हैं। अभी नए बंदे आए हैं 2021 के, कई लोग अपने अपने जो नई नई शादी हुई है, अपने अपने मतलब कि परिवार के बच्चों को, माता जी को, पिताजी को, सब लोग साथ रखते हैं यार, क्योंकि कोई किसी में रुक गया, कोई एलपी ड्यूटी करने लगा है, किसी को अच्छा लगा बैंड में, या किसी को कुछ अच्छा लगा, जो जिसमें मतलब परफेक्ट हो वो आप यहाँ रह के रुक के रह सकते हो, आप यहाँ भी रुक के बटालियन में ड्यूटी कर सकते हो। लेकिन अब बात करते हैं सैलरी की, सिविल पुलिस कांस्टेबल पुलिस आप सभी को मैं बता चुका हूँ, आप जो आपकी स्टार्टिंग होगी बोला वो 32-33 हज़ार रुपये से स्टार्टिंग में ही आपको पैसा मिलेगा, क्योंकि डीए अच्छा खासा 38% हो चुका है। लेकिन जो सिविल में सैलरी मिलती है वो एक मंथ की सैलरी मिलती है, मानो 32,000 मिली है आपको, स्टार्टिंग हिसाब बता रहा हूँ। पीएससी में भी 32,000 सैलरी मिली है आपको, ठीक है ना। ट्रेनिंग के बाद की बात करते हैं, ट्रेनिंग पे तो सेम सैलरी होती है। सिविल में सैलरी जो 32,000 मिली है 32,000 ही मिलेगी, जो पीएससी में आपको 32,000 सैलरी मिली है, अगर आप बटालियन में हो तो 32,000 सैलरी ही मिलेगी। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा जाते हो बाहर, जो 2-2 महीने के लिए बाहर जाते हो, भाई उसमें है पैसा। और पैसा कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कहीं अच्छी सिटी जैसे लखनऊ हो गया, या जो अच्छी अच्छी सिटी है, मतलब जो फर्स्ट नंबर सिटी होगी, नंबर वन सिटी होगी, वहाँ आपको मिलेगा पर मंथ का 12,000 रुपये तकरीबन एक्स्ट्रा हर मंथ का, ठीक है ना, क्योंकि डीए मिलता है 390 रुपये पर डे के हिसाब से। तो सोचो सैलरी से जो अतिरिक्त पैसा मिलता है 12,000 रुपये, या आपकी 32,000 रुपये सैलरी 44,000 रुपये बन जाता है पहली मंथ में, तो ऐसी बात समझो, मोटी मोटी हिसाब है ना। और सबसे अच्छी बात, डीए का पैसा मिलता है इकट्ठा, 6 महीना या 1 साल का पैसा मिलता है इकट्ठा, 60-70 हज़ार 80 हज़ार इस तरह के आते हैं पैसे इकट्ठा, तो पैसा दिखता है, ठीक है ना। तो इसमें पैसा है, अगर आप सेकंड क्लास सिटी में जाओगे तो 9,000 रुपये, और थर्ड क्लास सिटी जाओगे तो लगभग 7-7.5 हज़ार रुपये, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपको पैसा खूब मिलता है पीएससी में। अगर आप लोग बाहर ड्यूटियाँ करते हो तो अधिकतर लोग चूज करते हैं कि हमें भैया बाहर ही रहना, हमें पैसा कमाने के लिए आए हैं, तो 10-12 हज़ार रुपये हमको एक्स्ट्रा मिलता है सैलरी के अतिरिक्त, तो हम वो कमाएंगे। और कुछ को क्या होता है, पैसे से लगाव नहीं होता है, उनको कर रखना है अपनी फैमिली साथ में, और अपना या यहाँ रह के अपना अच्छे से पढ़ना है या कुछ भी करना है। जैसे मैं देखो 2 साल से यही बटालियन में रह रहा हूँ, जब से वैकेंसी भर्ती हुआ हूँ, जब से ट्रेनिंग के बाद तकरीबन यही हूँ। 2 महीने के लिए ड्यूटी गया था दोस्तों, जिसमें मैं नक्सल ड्यूटी गया था, अयोध्या ड्यूटी करके आया हूँ, उन्नाव ड्यूटी करके आया हूँ, लखनऊ ड्यूटी करके आया हूँ, बहुत जगह है जहाँ मैंने 2 महीने में ही कर ली थी, है ना। नक्सल 4 दिन के लिए गए थे, जो कि होती है आपकी ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के अतिरिक्त जो 4 दिन की ट्रेनिंग होती है वो नक्सल में भी होती है आपकी, ठीक है ना। ट्रेनिंग के बाद भी 3 महीना आप प्रशिक्षण पे रहते हो, बटालियन प्रशिक्षण या पुलिस लाइन के प्रशिक्षण में, तब होती है आपके 3 महीना जहाँ आपको हर जगह घूमने को मिलता है, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा नक्सल में, बहुत अच्छा लगा जाके। अब बात करते हैं ड्यूटी की, ड्यूटी कितने घंटे, ड्यूटी में दोनों में अंतर क्या है। देखो सिविल पुलिस में आप सिंपल बात समझो,
कि आप सभी को पता है ड्यूटी तो दोनों में 24 घंटे की है। अगर बात करें कि कोई फोर्स कोई से भी हो, 24 घंटे की ही ड्यूटी रहती है, अवेलेबल 24 घंटे रहना पड़ता है। अब ड्यूटी में ये होता है कि मानो सिविल पुलिस में सुबह 10 बजे से ड्यूटी लगती है, 6 बजे तक ड्यूटी लगती है, या आपकी कभी नाइट में ड्यूटी लगी तो 8 घंटे मैक्सिमम, मिनिमम से लेके मिनिमम तो 8 घंटे ड्यूटी है ही इसमें सिविल पुलिस में। जबकि सिविल पुलिस में भी अगर आपको कंप्यूटर आता है तो आप पुलिस लाइन में रह के कंप्यूटर चला सकते हो, क्योंकि हमारे एक भैया हैं जो कि अभी पीएससी से पुलिस लाइन में गए हैं, यहीं सीतापुर पुलिस लाइन में, तो वो कंप्यूटर वहाँ, क्योंकि यहाँ भी कंप्यूटर काम कर रहे थे, वहाँ भी कंप्यूटर का ही काम पकड़ लिया उन्होंने, ऑफिस में ही रहते हैं, ठीक है ना। 6-8 घंटे ड्यूटी बस, खेल खत्म। और कभी कभी ज्यादा ड्यूटियां भी लग जाती हैं, ज्यादा लॉन्ग टाइम हो जाता है, क्योंकि सिविल की ड्यूटी मैंने भी की है दोस्तों, 8 दिन मैंने ड्यूटी की, ज्यादा नहीं। ईद पे मैंने ड्यूटी की थी, जब ट्रेनिंग पूरी हुई थी तो ईद ड्यूटी की थी मैंने भी, 12-12 14-14 घंटा भी ड्यूटी करनी पड़ जाती है, मैंने 14-14 घंटे तक ड्यूटी की है। क्योंकि सुबह जब 8 बजे निकल जाते हैं तो फिर पता नहीं शाम को कितने बजे आ रहे हैं, ठीक है ना। हम नहीं, अकेले नहीं थे, हमारे साथ के कई लोग जाते थे, और पीएससी जहाँ भी जाती है 1-4 की गार्ड जाती है, तो हम 4 दोस्त गए थे वहाँ ड्यूटी करते थे, यहीं पुलिस सीतापुर में ही लगी थी ड्यूटी। तो चौराहे पे 4 घंटे, 12 घंटे या 14 घंटे, पहले दिन शायद 14 घंटे, वरना हर टाइम 12-12 दिन, क्योंकि 12-12 घंटे, क्योंकि जब कभी कभी क्या होता है ना, कोई त्यौहार होता है तो ज्यादा ड्यूटी लगती है, चाहे वो सिविल हो चाहे पीएससी हो, ठीक है। ये अंतर आप अच्छे से जाने होंगे, सैलरी में अंतर आप जान चुके होंगे, सिविल में अगर जो पैसा मिलता है इस महीने का वही मिलेगा, लेकिन अगर आप पीएससी में हो तो आपको एक्स्ट्रा पैसा कमाने का पूरा पूरा मौका है। और बहुत से दोस्त हमारे कमा भी रहे हैं, 2 साल से मैं यहाँ हूँ, अगर एक 2 साल से मैं बाहर ड्यूटी कर रहा होता तो दोस्तों तकरीबन मैं 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच में कमाता आराम से, लेकिन वो 1.5 से 2 लाख घाटा डाला है, क्योंकि उसका अंतर यही है सीधे सीधे कि मैं यहाँ रह रहा हूँ, अपना कूलर लगा रखा है, क्वार्टर है, 3rd फ्लोर पे क्वार्टर है अपना, ठीक है ना, जिसमें 2 रूम, लेटरिन, बाथरूम, पीछे सब कुछ सेपरेट आपको मिलता है, अकेली रह रहा हूँ, फैमिली आती है कभी चली भी जाती है, मम्मी पापा, क्योंकि अभी आपको सभी को पता है अपना भाई भी सिंगल है ना, तो रह सकते हो भैया, यहाँ भी रह सकते हो, क्वार्टर्स में रह सकते हो, पंखे की हवा खा सकते हो, एसी की हवा खा सकते हो। जब ये चीज अच्छे से अगर डिफाइन करनी है ना, बच्चों के सामने अच्छे से अगर पेश करना ना, तो पूरा डिफाइन करना पड़ता है, अच्छे से बताना पड़ता है, ना कि ये चीज हाँ ये बहुत अच्छी है वो बुरी है। अब ड्यूटी की बात करता हूँ, पीएससी की ड्यूटी कितनी रहती है, जो मिनिमम ड्यूटी रहती है, मैक्सिमम ड्यूटी रहती है वो दिन में 6 घंटे, कैसे, 1-4 की गार्ड होती है दोस्तों, सिंपल बात सुनना, चाहे आप जज कॉलोनी हो, कहीं भी ड्यूटी लगी होगी, आपकी स्पेशल ड्यूटियां लगती हैं, तो आपको क्या करना है, 2-2 घंटे, चाहे 6 2 घंटे ड्यूटी, फिर 6 घंटे आ रहा, फिर 2 घंटे ड्यूटी, फिर 6 घंटे आ रहा, इस तरह चलता है। अगर आपकी गार्ड वहां पर एक ही जगह ड्यूटी करनी है, ठीक है ना, जैसे किसी जज कॉलोनी में बता रहा, 12 कॉन्स्टेबल गए और एक हेड कॉन्स्टेबल, तो तीसरे दिन ड्यूटी आएगी, एक दिन ड्यूटी के, एक दिन ड्यूटी कर लोगे 2-2 घंटे की, 6 घंटे की, तो फिर आपकी 2 दिन ड्यूटी बाद भी आ सकती है, क्योंकि मैं उन्नाव में था, हमारी गार्ड थी एक ही, हमको ड्यूटी करनी पड़ती थी संतरी की, तो हमारी ड्यूटी चौथे चौथे दिन तक आती थी, 3 घंटे आराम से कोई काम नहीं, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा लगता था दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप लोग अपनी मर्जी से नहीं जी सकते, मैंने यही भी बात सुनी कि अपनी मर्जी से नहीं जी सकते, अरे भैया ये क्या बात हुई यार, हम तो, आपने देखा होगा मैं मार्केट हमेशा घूमता रहता हूँ, यहाँ आराम से बाइक साथ में रखी है, मैं ही अकेला ही नहीं, कम से कम नहीं, हमारे साथ के 150-200 बंदे जो यहीं रुके हुए हैं बटालियन में, ही आराम से घूमते हैं, ड्यूटी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। पुलिस लाइन तो हर बे झरबे जाता रहता हूँ पुलिस लाइन में, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग की थी यहाँ सीतापुर में, हर एक जान जान पहचान बहुत अच्छे हमारे जो शिक्षक हैं गुरु, जिन्होंने हमको ट्रेनिंग दी है, वो भी हमारे बटालियन में ही आ गए, क्योंकि हमारे वो बटालियन के ही थे, ठीक है ना, कुछ पुलिस लाइन में भी है, तो बहुत अच्छे संबंध हैं और मिलते रहते हैं। अभी ट्रेनिंग हुई थी बीच में पुलिस लाइन में, तब भी मैं गया था, कई लोग जानने पहचान वाले थे, तो मैं मोटी मिसाल ही दे रहा हूँ दोस्तों कि सिविल और पीएससी दोनों ही बेस्ट है अपनी जगह, ठीक है ना। क्योंकि पीएससी को इतना ज्यादा डाउन किसी ने बता दिया है कि क्या बताएं, हमें वीडियो ही बनानी पड़ी है दोबारा, तो आप बताइए आपकी नजरों में क्या पीएससी डाउन है। छुट्टी की एक बात और बता दूं, देखो आपने देखा होगा कि आपने देखा होगा कि सिविल में छुट्टियां के लिए थोड़ा मुश्किल पड़ता है, हाँ पड़ता है मुश्किल, मुझे भी पता है छुट्टी के लिए थोड़ी क्या रहता है ना, दिक्कत रहती है, लेकिन पीएससी में छुट्टी आपको जब मर्जी हो तब जाइए छुट्टी, हालांकि जब अगर छुट्टियां सरकारी तौर से बंद होती हैं तो छुट्टी आपको मिलने में दिक्कत होती है, वो भी बहुत ही रेयर केस में, वरना आपको छुट्टी यहाँ अवेलेबल रहती है, क्योंकि आपकी छुट्टी आप कैसे भी काटो, क्योंकि यहाँ अच्छी खासी फोर्स रहती है, ड्यूटी थोड़ी कम रहती है, इसलिए आप छुट्टी आराम से काट सकते हो, है ना। तो ये चीज होती है दोस्तों, अगर किसी चीज को हम आपके सामने प्रस्तुत करें तो उसको पूरे से अच्छे से विस्तार से पहले जान लें, उसके बाद करना चाहिए। अगर आपको कुछ पता ही नहीं है उसमें, ज्ञान बस खाली अपनी क्या बोलते हैं, बस बता दिया उल्टा सीधा, तो उसमें क्या मतलब रह जाता है, उस बात का कोई मतलब रह जाता है।
अब कई लोग तैयारी कर रहे हो, कई लोग तैयारी कर रहे होंगे, अब आपके मन के डाउट जो है ना क्लियर हुए होंगे, क्योंकि आप लोगों में से 85 सौ तकरीबन बनोगे पीएससी के कांस्टेबल। अब पीएससी में आप सोचोगे सर अरे पीएससी में लगे, आप कहीं जॉब भी ना करो, ये सुन के किसी की वीडियो देख लियो कि पीएससी में जाओगे जी नहीं पाओगे, ये करोगे वो करोगे, तंबू में रहोगे, इसमें रहोगे उसमें रहोगे, तो आप तो हो सकता है जॉब ही छोड़ दो। इसलिए जॉब नहीं छोड़नी है, जो फायदे है ना मैं आपको फायदे भी गिना रहा हूँ बहुत अच्छे से, छुट्टी आसानी से, बहुत आसानी से, ठीक है ना। तो भैया टेंट में भी रहना है, अयोध्या में जाओगे तो टेंट में भी रहना पड़ेगा, अगर आप लोग लखनऊ जाओगे तो बहुत अच्छे रूमों में भी रहना पड़ेगा, क्योंकि जजेस कॉलोनी में जहां तक है ना बहुत अच्छे अच्छे बैरक बने हुए हैं, बहुत अच्छे रूम बने हुए हैं, एक रूम में दो दो बंदे रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ फैन एसी तक की व्यवस्था रहती है। तो ऐसा नहीं है कि एक में अच्छा हो एक में बेकार हो, तो दोनों में ही अच्छी जगह है, ठीक है ना, दोनों में अच्छी पोस्ट है। पीएससी से अभी 112 में भी गए हैं दोस्त हमारे, पीएससी में अभी यातायात में भी जा रहे हैं, पीएससी से एपी में भी जाते हैं, पीएससी भी अभी डॉग स्पॉट वाली है उसमें भी जा रहे हैं, पीएससी से आप कहीं भी जा सकते हो, सबसे अच्छी बात पीएससी में आप कहीं भी जा सकते हो, आपको अगर पीएससी में नहीं रहना तो आप 112 में जा सकते हो, है ना, कितना अच्छा है आपके सुनहरा मौका। आप पीएससी में रहकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, अपना क्वार्टर लेके निजी तौर पर पढ़ सकते हो, अभी पीएससी से कम यहाँ से 12-14 दरोगा बने हैं, पहले सोचो दरोगा में एलिजिबल नहीं था वरना हम भी करते, लेकिन इस बार 3,000 आ रही है, बंदा भी तैयार है, क्योंकि उसी में हम भी तैयारी कर रहे हैं, आपको सच बताएं, क्योंकि मुझे भी अब दूसरा विभाग अच्छा नहीं लग रहा, मैं सोच रहा हूँ कुछ नहीं तो इसी की तैयारी आगे कर रहा हूँ, अगर कुछ नहीं बन पाए तो दरोगा तक तो बन ही जाऊँ, है ना। तो दरोगा इस बार वैकेंसी आ रही है यूपीएसआई 3,000, आप लोग वो भी जान रहे होंगे, अच्छे से भी बताऊंगा अभी नेक्स्ट वीडियो में, हो सकता है कल बताऊँ। तो दोस्तों सिविल पुलिस और पीएससी में आप लोग अंतर समझ गए होंगे, दोनों में परिवार रख सकते हो, पीएससी में भी कम से कम यहाँ 500 को ज्यादा क्वार्टर्स हैं, तो सभी लोग अपना परिवार रखते हैं, बच्चे रखते हैं, माता पिता रखते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ रह ही नहीं सकते हो, क्योंकि जब वीडियो ऐसी देखता हूँ ना तो थोड़ा सा बुरा लगता है यार, कि मतलब कोई व्यक्ति अगर ऐसे उसको अंतर बताए तो जिसका कोई महत्व ही ना हो, कोई मतलब ही ना हो, तो थोड़ा सा गलत लगता है वो चीज। मैंने पिछली भी वीडियो देखी, अगर आप डालोगे पीएससी और सिविल में अंतर राज यूपीपी जॉब, तो आपको मेरी वीडियो देखने को मिल जाएगी जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि दोनों ही जॉब बेस्ट है, दोनों ही अच्छी जॉब है, क्योंकि सिविल में आप जहाँ जाओगे तो 2-4 साल के लिए आप एक चौकी पर या थाने में या पुलिस लाइन में रह सकते हो, उसके बाद ही आपका ट्रांसफर कहीं किया जाता है, ठीक है। जबकि यहाँ क्या होता है, आप एक ही बटालियन में रहोगे, अगर आप चाहते हो कि अपने नजदीक से नजदीक बटालियन पहुंच जाए, और आप वहां रह के अगर बटालियन चाहते हो ड्यूटी करना तो बटालियन में भी आप ड्यूटी कर सकते हो, एलपी ड्यूटी कर सकते हो, किसी भी मद में रुक सकते हो, और क्या बोलते हैं ऑफिस में रुक सकते हो, कंप्यूटर आता हो ऑफिस में रुक सकते हो, बहुत सी चीजें हैं जहाँ आप रुक सकते हो, आराम से जॉब पा सकते हो, मतलब कर सकते हो यहाँ आके आराम से ड्यूटी, है ना, क्वार्टर ले सकते हो, बहुत सी चीजें मैंने आपको अच्छे समझा दिया है, और इसमें कोई खास ज्यादा बातें नहीं है, आप लोग अच्छे समझ गए कि हाँ दोनों ही बेस्ट हैं जॉब, बात यही है भैया। पीएससी में अगर आपको बाहर रहना है, अब अगर पैसे कमाने हैं तो बाहर ड्यूटियां करनी पड़ेंगी, तो आप अच्छा खासा पैसा भी अर्न कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों फिलहाल ज्यादा इस वीडियो में कुछ नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे पूरी बात क्या है, चलते हैं फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं, जय।